अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेंटेंस करेक्शन ईयर 2000 से स्टार्ट करते हैं। हमारी सेंटेंस करेक्शन के जो लेक्चर्स हैं, देखिए सेंटेंस करेक्शन आपको इसके लिए आपको रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर के। उसके अलावा आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आने चाहिए। एक प्रोसेस है कंटिन्यूस, उस लिहाज से आप जो है वह सेंटेंस करेक्शन देखते हैं और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम प्रैक्टिस को देखते हैं, प्रैक्टिस कर शुरू करते हैं। हम सेंटेंस करेक्शन जो 2000 ईयर में जो आपका सेंटेंस आए हैं उसमें पहला लिखा हुआ है द लेक फ्रीज रैपिडली। अच्छा, फ्रीज़ के बारे में आपको पता है कि उसकी सेकंड फॉर्म फ्रोज होती है, ना कि फ्रीज्ड होती है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्रोज्ड कर देंगे। उसके बाद द फर्म वाज अनविलिंग टू फॉरगो इट्स यूजुअल कमीशन। अब अनविलिंग की जगह पर आपने जो लफ्ज़ यूज़ करना है दैट इज़ डिसइंक्लाइंड, कि वो फर्म जो है वो डिसइंक्लाइंड है, अनविलिंग का जो है वो यहाँ पर नहीं लफज लगेगा। अच्छा, उसके बाद द वी वॉच्ड द गैम्बल। अब इस गैम्बल का मतलब आपको पता है, अगर आप पेयर ऑफ वर्ड्स करेंगे जब प्रेसिव कंपोजिशन पोर्शन के लिए, पेपर के लिए, तो गैम्बल में आपको पता है कि गैम्बल का मतलब होता है चरना, सॉरी इस गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, शर्त लगाना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वाला गैम्बल यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, ये गैम्बल का मतलब होता है चरना, हमने लैम्स को चरते हुए देखा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है ही बिलोंग टू द गिल्ड ऑफ कारपेंटर्स। अच्छा, ये वाला गिल्ड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, इस गिल्ड का कोई और मतलब होता है। अब यहाँ पर वही पेयर ऑफ वर्ड्स वाली बात आ गई, वी ही बिलोंगड टू द गिल्ड, इसका मतलब होता है ग्रो। ठीक है, ग्रुप, गिल्ड ऑफ कारपेंटर्स, वो कारपेंटर्स के ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ये आपने जो है वो ये चार क्वेश्चंस हमारे यहाँ तक हो गए हैं। अब जो हमारा अगला जो है वो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ ही हैड नॉट ऑट टू नॉट ऑट हैव स्पोकन, इसकी जगह पे ये जो इसका है इसका आएगा ही ऑट नॉट ऑट नॉट टू हैव स्पोकन। आई होप आपको समझ लग रही है, यहाँ पे आपने जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ऑट नॉट होता है टू हैव स्पोकन। इज़ दिस हिज हाफ ब्रदर। अब हाफ ब्रदर कोई लफ्ज़ नहीं है, और दिस भी आपको पता है कि इस तरह नहीं आता, तो यहाँ पर आएगा इज़ ही, दिस की जगह आ जाएगा ही, हिज हाफ ब्रदर नहीं होता, स्टेप ब्रदर होता, सोतेला भाई, स्टेप ब्रदर। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन है। हे वॉच आउट फॉर द कार। अब ये जो फोर है ये यहाँ पर नहीं आता, वॉच आउट के साथ फोर नहीं आता, तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा ही हे वॉच आउट द कार, कि कार को देखो, वॉच आउट के साथ फोर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, दिस इज़ द हिस्टोरिकल स्पॉट वेयर ही वॉज शॉट एट। अब हिस्टोरिकल लफ्ज़ नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पर हिस्टोरिक का मतलब होता है तारीखी, तो यहाँ पर आएगा दिस इज़ द हिस्टोरिक स्पॉट वेयर ही वॉज शॉट डेड, जहाँ पर उसको मारा गया या जहाँ पर उसको कत्ल किया गया। अच्छा, वेयर वी बॉट अ जैपनीज प्रिंट। अब जैपनीज जो है वो प्रिंट एक जो है वो नाउन है, और यहाँ पर ए का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर आएगा वी बॉट जैपनीज प्रिंट। बहुत सिंपल, यहाँ पर इस ईयर में क्वेश्चंस आए थे, कुछ ईयर्स में जो है वो कॉम्प्लेक्स भी थे, जो कि हम बाद में इसको जब देखेंगे तो फिर मैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे है फ्रेश फ्लावर्स स्मेल। अब स्वीटली लफ्ज़ नहीं होता, आपको पता है, इसकी जगह पर आएगा स्वीट। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो 2001 ईयर है जो हम उसको डिस्कस करेंगे,
मज़ीद लेक्चर्स और मज़ीद गाइडलाइन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।